आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। जीवन में बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें एक्चुअली में हम याद रखते हैं और आज भी आंखें नम हो जाती हैं जब आप उन तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन तभी हम लोगों के पास व्हाट्सअप नहीं होता था और ईमेल नहीं होते थे, इसलिए अभी मैसेज भी नहीं कर सकते, उन तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम दिल से उन्हें याद करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ICMR, CSIR या DBT में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे हम लोग कम समय में कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं, उसी बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या ट्रिक्स है, क्या टिप्स है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, CSIR का फॉर्म रीओपन हुआ है। अगर आप भरना चाहते हैं, किसी वजह से अगर आप नहीं भर पाए थे तो आप उसको भर सकते हैं, और अगर आपने CSIR का फॉर्म भर दिया है, तैयारी कर रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ कोडन बालू जी के साथ और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं इसको। मैं बस बात करूँगा कि उसमें क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना है, जिससे क्वेश्चंस ईजिली बना सकते हैं। सबसे पहला बात समझिए कि उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर तो इवेंट होगा, आइदर तो इवेंट नहीं होगा। अगर होगा तो उसको हम लोग मानते हैं एक, और अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग मानते हैं ज़ीरो। लेकिन रेयर केस ही होता है कि ये ज़ीरो और वन का वैल्यू आए, ये हमेशा इसके बिटवीन में होता है। ज़ीरो और वन के बिटवीन में हमेशा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है। सपोज दैट कि किसी भी इवेंट का जो होने का चांस है, यानी कि अगर हम लोग कहें कि हैपनिंग चांस एम वे है, यानी कि किसी इवेंट को हम लोग एम तरीके से कर सकते हैं, और उसी इवेंट का नहीं होने का एन वे है, यानी कि दो चीज़ें हैं, एम वे से उसे कर सकते हैं और एन वे से वो नहीं होने का चांस दर्शाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यानी कि उस घटना का होने का क्या चांस है, हम लोग क्या निकालते हैं, एम बाय एम प्लस एन। यानी कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हम लोग सिंपल समझ सकते हैं कि जो आपका डिज़ायर है, यानी कि जो आपको चाहिए, उसका रेशियो किसके साथ, जो टोटल इवेंट है, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का जो होने का है और जो आपको चाहिए, उसी का रेशियो को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसमें दो टर्म आता है, एक तो आता है और का टर्म और दूसरा आता है एंड का टर्म। ये दोनों टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने की ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसको समझने के लिए हमें एक सुटेबल एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे इसमें समझिए कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए किंग और ए क्वीन। ये जो और का वर्ड है ये यहाँ ट्रिकी वर्ड है। यही अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल लाइव अप टू 60 ईयर इज 1/4 एंड दैट बी विल लाइव अप टू 60 ईयर इज 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी विल लाइव अप टू 60 ईयर। ये जो एंड वर्ड है ये यहाँ पे ट्रिकी वर्ड है। तो इसको बनाने के लिए दो तरह का थ्योरम आता है इसमें, एक तो होता है एडिशनल थ्योरम और दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगर और की बात आती है, आइदर और, तो उसमें हम लोग एडिशनल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, एडिशन थ्योरम, और अगर एंड का बात आता है तो उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का बात करते हैं, और उसमें मल्टीप्लाई होता है वो। अगर इसको फॉर्मूला के तौर पर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पी ए निकालें या तो फिर पी बी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका होता है पी ए प्लस पी बी। ये हो गया एडिशन थ्योरम। यही अगर हम लोग इस केस की बात करें, इसमें क्या है,
मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यहाँ क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यहाँ अगर ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। इस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग इस केस में करेंगे जहाँ हम लोगों को दोनों एक साथ निकालना होगा। अब ये कैसे काम करता है तो हम लोग कुछ एग्जांपल के मदद से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग जरा देख लेते हैं एडिशन थ्योरम है क्या। एडिशन थ्योरम कहता है कि अगर दो घटना है, घटना ए और घटना बी, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का क्या मतलब है कि अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, अगर बी होगा तो ए नहीं होगा। इस कंडीशन में अगर हम लोग किसी ए का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें आइदर पी ए और बी, तो इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में जुड़ जाती है, यानी कि पी ए प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एडिशन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होता है एडिशनल थ्योरम। ये कब होता है जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि इसमें दूसरा केस भी हो सकता है जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो, और जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो उसमें क्या कंडीशन आएगा। व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस केस में अगर इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो तो इसमें एडिशन थ्योरम काम नहीं करता। तो इसको कैसे निकालेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने का क्या मतलब है कि ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, टू और मोर इवेंट कैन हैपन टुगेदर, दोनों ए या बी दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें हम लोग ए का या बी का, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते पी ए प्लस पी बी, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सही क्या है, इस केस में हम लोग लिखेंगे पी ए प्लस पी बी, माइनस पी ए बी, यानी कि अगर दोनों एक साथ हो सकता है, ए भी हो सकता है और उसके साथ बी भी हो सकता है, और हम लोग उसको अलग अलग अगर जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग पी ए बी को दो बार जोड़ रहे हैं। इसीलिए इस केस में क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से और फिर उसमें माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ये है तो ये भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इस केस में ये फार्मूला चेंज हो जाता है और इसमें होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, ये आपको बस ध्यान में रखना है। तो इस सारी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे हमने चार एग्जांपल लिए हैं, सबसे पहला जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, दूसरा जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, तीसरा भी है जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ये दोनों ही एडिशन थ्योरम पे काम करेगा। ये फिर है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये दो क्वेश्चन, यानी कि दो क्वेश्चन हमने लिया है एडिशन थ्योरम से और दो क्वेश्चन हमने लिया है आज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, इसमें से एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दूसरा नहीं है। इस पांचों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी में कितने तरह का क्वेश्चंस होते हैं और इसको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए हम लोग एक एक करके पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए किंग और ए क्वीन। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमारे पास ये पूरा कार्ड है और इसमें से 52 कार्ड्स में से वो कहता है कि एक कार्ड को लिया गया,
रेंडमली हमने किसी एक कार्ड को ले लिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें या तो वो कार्ड किंग हो या तो वो कार्ड क्वीन हो, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो टोटल में से कितना कार्ड किंग है इस लाइन में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल 4 कार्ड ऐसे हैं जो किंग हैं और 4 कार्ड ऐसे हैं जो क्वीन हैं। इतना पता चल गया। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये और भी इजी हो जाता है निकालना, आप उसको कैसे निकालेंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की, तो हमें पता चल गया है कि किंग कितना है, 4 है, और क्वीन कितना है, 4 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा, 4/52, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन करें तो ये क्या हो जाएगा, 4/52। हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो इवेंट आपको चाहिए और जो टोटल इवेंट है उसका रेशियो है। अब हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर किंग और क्वीन का। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, एडिशन थ्योरम पे काम करेगा, जो हम लोगों ने अभी अभी किया है। यानी कि ये हो जाएगा PK+PQ, इजी है। ये हो जाएगा 4/52 + 4/52, क्या हो गया, 8/52, यानी कि 2/13, यही इसका आंसर हो गया। बस आपको पता करना है कि आप किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चारों। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे एक मित्र ने कहा है कि DBT के लिए एटलीस्ट 6 फुल टेस्ट सीरीज कराएं और उसका इमोल्यूमेंट सिर्फ 1000 रुपीज़ रखिए। अगर आपने कहा है तो आपकी बात टाली नहीं जाएगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोडोन बायोलॉजी बायोटेरा टेस्ट सीरीज के साथ मिलके हर साल टेस्ट सीरीज चलाती है, नेट और GRF से रिलेटेड, CSIR का, ICMR का और DBT का, ICAR का, ये सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलते हैं। आपकी बात ज़रूर रखी जाएगी। 6 ही नहीं, हमने 7 टेस्ट सीरीज कर दिए हैं सिर्फ 999 रुपीज़ में। 7 DBT मॉक टेस्ट और जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आपको डिटेल जानकारी इसकी मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ उसमें मिलने वाला है। और ये ऑफ़र वैलिड है सिर्फ 10 सितंबर तक। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं DBT के लिए, आप प्रिपेयर्ड हैं या प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं, कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो DBT का ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ DBT में भी नहीं, अभी अगर ICMR में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर ICMR के टेस्ट सीरीज पर, कोर्स पर 20% का ऑफ है। इसके लिए मैं आपको वेबसाइट रेफ़र कर दे रहा हूँ, NCIBB, वहाँ पर आप जाइए। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ उस वेबसाइट का। ये NCIBB का वेबसाइट है। आप यहाँ पर करंट कोर्स में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन्स मिल जाएंगे। तो आप करंट कोर्स में आएंगे तो ये व्यू आपको दिखेगा। इसमें से आप DBT GRF पे यहाँ क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आ जाएंगी। ये कॉम्बो पैक भी है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और नीचे ये पैक है 999 का जो पैक है, ये इसमें 5 मॉक टेस्ट है सॉल्यूशन के साथ और 2 मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मतलब प्रीवियस ईयर मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे और उससे एक मॉक टेस्ट बनाया जाएगा। तो ये 7 मॉक टेस्ट हमने रखे हैं, जैसे कि आपने कहा था 6, हमने 7 कर दिए हैं और सिर्फ 999 रुपीज़ में। तो आइदर तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करके बाय कर सकते हैं या इस लिंक पर जाकर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या हमें आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9471455844 पर। ये वेबसाइट खासकर नेट GRF एस्पायरेंट के लिए बनाया गया है। अगर आप नेट GRF की तैयारी कर रहे हैं या PhD में भी चले गए हैं, PhD कर रहे हैं या MSc में हैं, तो आप ज़रूर इसमें साइन अप कर लीजिए। आपके ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी, जिसमें से एक बायो वैकेंसी का पार्ट है। इसमें से हर रोज़ अगर कोई नई वैकेंसी आती है बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा।
इससे रिलेटेड अगर कोई वेबिनार है, इवेंट है, अगर फ्री वेबिनार कहीं होता है तो आपको यहाँ पे उसका सेक्शंस मिल जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्द से जल्द आपको नेट जेआरएफ के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। तो ये था हम लोगों का कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट है उसमें ये काम किया। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, तो देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन क्या है, इफ फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड ए सिंगल कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए स्पेड और ए किंग। तो सबसे पहले कार्ड में समझिए कि ये दोनों आपस में एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, यानी कि एक्सक्लूसिव है म्यूचुअली या नहीं है। तो देखिए, ये पूरा क्या है, स्पेड कार्ड है, काला पान है, और ये क्वीन है, और ये किंग है। इसमें दो तरह के कंडीशन है, अगर इसका किंग होगा तो ये काला पान नहीं होगा, लेकिन काला पान का भी किंग है, यानी कि ये स्पेड है और किंग भी है, यानी कि ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है ये, यानी कि इसमें एडिशन थ्योरम काम नहीं करेगा। इस केस में क्या काम करेगा, जैसे हम लोगों ने देखा है, इस केस में सबसे पहले हम लोग स्पेड का प्रायोरिटी निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 13 कार्ड है टोटल स्पेड में, 13/52 ये हो गया प्रायोरिटी ऑफ स्पेड। और फिर हम लोग अगर लिखें प्रायोरिटी ऑफ किंग का, ये कितना है, 4 है, 52। ये हो गया दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी। अब इसमें एडिशन थ्योरम क्यों नहीं काम करता, क्योंकि ज़रा गौर से देखिए, आपने ये 4 कार्ड यहाँ पे काउंट कर लिया था किंग का, ये नीचे वाले में जो किंग का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था इसको हमने काउंट कर लिया था, और फिर से जब हमने यहाँ काउंट किया ये 13 कार्ड को यहाँ से यहाँ तक, तो दोबारा हमने फिर से इसको काउंट किया, इस किंग को जो कि स्पेड का था। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि इसीलिए ये फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाता है, अगर हम लोग ये लिखें तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, P S+PK -PSK, यानी कि हम लोग किसको हटा रहे हैं, जो कि स्पेड भी है और किंग भी है, इसीलिए फॉर्मूला चेंज है। अब आप, मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं कि क्यों इसको माइनस करते हैं हम लोग। अब इसको फॉर्मूला में सेट करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 13/52 + 4/52 अब माइनस क्या है, एस के, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 30/52 × 4/52। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होगा ये आपका एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होगा, ये कितना हो जाएगा, 17/52 − 13/52 × 52, ये कैंसिल, ये हो गया 17/52 − 1/52, यानी कि 16/52, ये इसका एक्चुअल आंसर होगा। अगर हम लोगों ने ये माइनस नहीं किया होता तो इसका आंसर कुछ और ही आ जाता, जो कि करेक्ट नहीं होता। इसीलिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता इवेंट तो हम लोग उसको माइनस करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 30 टिकट्स। टोटल कितने टिकट हैं, 30 टिकट हैं। इससे एक टिकट को पिक किया गया है और इसमें नंबर क्या है, 1 to 30 नंबर है। अब इसमें कौन सा नंबर आएगा, तो ए नंबर, क्वेश्चन कहता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने नंबर उठाया है वो आइदर तो 5 का मल्टीप्लीकेशन हो, आइदर तो 7 का मल्टीप्लीकेशन हो, यानी कि अगर 5 का होगा तो 7 का नहीं होगा, 7 का होगा तो 5 का नहीं होगा, यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इस केस में इसमें सिंपल रूल काम करेगा, 5 का प्रायोरिटी + 7 का प्रायोरिटी,
तो 5 का प्रायोरिटी क्या होगा, कितने नंबर हैं जो 5 के मल्टीप्लिकेशन में हैं उसमें, एक तो खुद 5 है, दूसरा 10, 15, 20, 25, 30, ये सारे हैं कितने नंबर्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कि 6 by 30। अब अगर 7 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखें तो एक खुद 7 है, 14, 21, 28, यानी कितना है, 4 है, यानी कि इसका प्रायोरिटी हो गया 4 by 30। ये 5 का मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी और ये 7 के मल्टीप्लिकेशन का प्रोबेबिलिटी है। अगर दोनों का हम लोग निकालना चाहिए, आइदर 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो हो गया ये कितना, 1 by 3। यही इसका प्रायोरिटी है कि आइदर वो 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, आइदर तो वो 7 का मल्टीप्लिकेशन हो। उसी तरह से दूसरा जो बी नंबर है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखेंगे, उस हिसाब से कितना 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। उसी तरह से 5 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले लिख चुके हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये कितना हो गया, ज़रा इसको गौर से देखिए, इसमें ये जो पॉइंट है 30, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि आप यहाँ भी काउंट करेंगे और इसको यहाँ भी काउंट करेंगे, 15 भी क्या है, कॉमन है, यहाँ भी काउंट करेंगे, यहाँ भी काउंट करेंगे, और कोई नंबर है जो कॉमन है, नहीं, यानी कि ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं जो इसमें कॉमन है, यानी कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इवेंट था लेकिन ये इवेंट नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल फार्मूला है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही फिर करेंगे इसको। ये कितने नंबर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर हुआ, और ये क्या है, 6 नंबर है। तो अगर इसकी प्रायोरिटी हम लोग निकालना चाहेंगे तो 10 by 30 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगा 6 by 30। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक हो गया कि 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो 10 by 30 प्रायोरिटी है उसका 3 का, और वही अगर 5 का है तो ये हो गया 6 by 30, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नंबर मैचिंग नंबर हैं। तो इसका प्रायोरिटी अगर निकालना चाहें हम लोग 3 और 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, P3 plus P5 minus P3 into 5। P3 का क्या है प्रायोरिटी, 10 by 30 plus 6 by 30 minus 10 by 30 into 6 by 30। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 16 by 30 minus 60 by 30 into 30। ये कैंसिल, ये 15, और अगर इसको भी कैंसिल करना चाहें तो 8 और 15, तो ओवरऑल क्या हो गया, 8 by 15 minus 1 by 15, ये कितना हो गया, 7 by 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें दोनों केस था, ये एक्सक्लूसिव था म्यूचुअली और ये एक्सक्लूसिव नहीं था। तो हम लोग अच्छी तरह समझ गए कि एडिशन थ्योरम में भी कहाँ हम लोगों को एडिशन थ्योरम इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर नहीं करना है तो कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। अब हम लोग और दो एग्जांपल बच गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल लाइव अप टू 60 ईयर इज 1/4 एंड दैट बी विल लाइव अप टू 60 ईयर इज 1/3, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसका निकालना है, ए एंड बी बोथ विल लाइव अप टू 60 ईयर, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है। इस केस में देखिए, ए भी जिएगा बी भी जिएगा, दोनों इंडिपेंडेंट है,
यानी कि आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट केस हैं। इस केस में हम लोग कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।